राजधानी पटना में जो प्रदूषण की समस्या है उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी कड़ी में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन राजधानी में पहली बार आपको सीएनजी एसी बस नजर आने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मेरे पीछे बस लगी हुई है, इस तरह की 25 बसें राजधानी के अलग अलग मार्गों पर चलेगी और इसके अलावा बिहार शरीफ और कई ऐसे जो राजधानी से करीब के शहर है वहां इन बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा और ये बसें जो हैं सुल्तान पैलेस में लाकर रखी जा रही हैं। पहले फेज में 25 बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि सीएनजी की बसें पहले चल रही थी, लेकिन यहां जो सीएनजी की बसें खड़ी हैं वो एसी है, यानी सीएनजी के थ्रू जो है ये बस चलाई जाएगी और ये एसी बसें होंगी। राजधानी के लोगों को बड़ी सहूलत मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये जो बस है बिल्कुल नई है और ये लाई गई है सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग ने मंगाया है और आम बसों की तरह है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सीएनजी ग्रीन एसी बस है, यानी पहले भी सीएनजी की जो बसें हैं वो राजधानी में चलनी शुरू हुई थी लेकिन वो एसी नहीं थी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का जो दृश्य है वो देखें कि बहुत ही आरामदायक बनाया गया है। इसका जो तरीका है वो बहुत ही सलीके का पहले जैसा ही है। आप देख सकते हैं कि जो आमतौर से ट्रेवल करते हुए लोग 2x2 की जो है सीट वो लगाई गई है और एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। आमतौर से राजधानी दिल्ली वगैरह में इस तरह की बसें आपको देखने को मिलती थी, लेकिन पहली बार राजधानी पटना में सीएनजी एसी बस का परिचालन जो है वो शुरू हो रहा है। आप देखिए यहां पर कि यहां एसी का जो है ये पॉइंट दिया गया है कि डायरेक्ट अगर बैठने वाले लोग यहां जो मुसाफिर बैठेंगे वहां ये कर सकते हैं और यहां छोटी सी लाइट भी लगी है, यहां से एक डोर है जहां आप आ सकते हैं, चढ़ सकते हैं और कुल मिलाकर के जो है वो हेल्प के लिए भी चीजें हैं और सीट जो है वो काफी आरामदायक बनाया गया है और राजधानी के लोग सुकून से सफर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि ये जो दृश्य है ये एसी बस का है, जो सीएनजी एसी बस है वो चलेगी और हर सीट के ऊपर जो है प्वाइंट बनाया गया है और इस बस का जो परिचालन है वो जल्द ही राजधानी पटना में शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है यहां पर खासा स्पेस दिया गया है, यहां पर जो है वो ड्राइवर के बगल में और यहां का स्पेस जो है वो जो दूसरी बस है या ये जो एसी सीएनजी है इसमें क्या फर्क है, मतलब अलग है क्या? नहीं, ठीक है, एकदम नॉर्मल जैसे वो बस है वैसे ही, खाली इसमें एसी लगा हुआ है। हाँ, एसी है, ओकरा से फिन तगाते कर फिन जाते है। अच्छा, डीजल से जाते। तो ये बसें जो है वो लाने का काम किया जा रहा है, शुरू हो गई है। अब बस जो है वो अब लाई जा रही है यहाँ पर और बस कुछ ही दिनों में जो है इसका परिचालन शुरू होगा। ये सुल्तान पैलेस में जमा की जा रही है और कई ऐसी बसें हैं जो अभी आएंगी और उसके बाद इसको हरी झंडी दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरा सिस्टम वही इलेक्ट्रॉनिक है कि गेट खुद से बंद होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्राइवर के हाथ में होगा। और ये हम आपको बता दें कि इसका कलर भी थोड़ा अलग किया गया है, ये एक कलर है और यहाँ पर एक दूसरा कलर लगाया गया है। सीएनजी ग्रीन एसी बस सर्विस जो है वो राजधानी पटना में शुरू हो रही है तो राजधानी के लोगों को काफी आसानी होने वाली है। और इससे पहले भी जो है वो सीएनजी की बसें चलाई जा रही थी, लेकिन सबसे अहम और खास बात इसमें यह है कि ये सीएनजी से एसी चलने वाली बस है तो लोगों को राहत मिलने वाली है और जो सांस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी है, इसलिए कि प्रदूषण से राजधानी पटना को पाक करने का प्रयास लगातार जारी है और आमतौर से जो डीजल की बसें हैं उसे कुछ दिनों बाद राजधानी से हटा दिया जाएगा। कई ऐसी बसें हैं, कई ऐसा रूट है जहां से उन्हें हटा दिया गया है और इसी कड़ी में जो है सीएनजी की ऐसी बसें लाई जा रही हैं और राजधानी में जो लोग आने जाने वाले हैं, जो रोजमर्रा का सफर करने वाले हैं, ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए काफी आसानी होगी। जो ट्रैफिक का सिस्टम था उसमें भी